कंचन ये क्या है, पूरे पट्टियों से लिपटे जी, हुए हैं। दरअसल क्या है कि कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ गया जिसके कारण हमें झूठ बोलना पड़ रहा है और हम दो औरतों के एक साथ पति हो नहीं सकते हैं। तो हम पिंकी दरोगा और हमारे तिवारी पुलिसमैन हैं जिनके पास हमें एज पंचम जाना है, दो लड़कियों का एक पति और बनना दो हैं। तो इस चक्कर में हम थोड़ा ऐसे एक डिसगाइज लेके गए हैं ताकि हमारा काम भी बन जाए और किसी को पता भी ना चले। जी पिंटू को रेस्क्यू नहीं, हम सब एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। पिंटू मुझे बचा रहा है, मैं पिंटू को बचा रहा हूँ और उस बीच में आप देख लीजिए क्या हो गया है। देखिए ना, बिल्कुल इरिटेटिंग नहीं, मतलब थोड़ा काफ़ी देर से पहना हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट। सो फेक दादी जी सुनीता है और जो दादी एक्चुअल हैं वो अभी आने वाली हैं जीजा जी छत पर है हमें। तो ये बहुत बड़ा सा एक ट्विस्ट है, तो इसीलिए सुनीता को दादी बनना पड़ा। तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली स्टोरी में हो क्या रहा है, बट फॉर नाउ आपकी सुनो दादी बन चुकी है। हाँ, तो वो छुपने छुपाने वाली बात सारी की सारी जो वो है, वो सस्पेंस है, वो तो मैं बता ही नहीं सकती। बट हाँ, भागने वाली चीज़ है, भागना है, क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स सीन है जिसमें मैं भाग जाऊंगी घर से बाहर और फिर पता लगेगा मुरारी को कि क्या है सीन। बेसिकली वो अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हैं, उनकी मम्मी आई हैं और उनसे बात नहीं हो पा रही है उनकी, तो वो अपनी माँ को फॉलो कर रहे, तो उन्हें लग रहा है कि मैं ही उनकी माँ बिकॉज मैं उन्हीं की गेटअप में हूँ। तो वो स्टोरी है। इलायची का साथ देते हुए मुझे लगता है किसी दिन सुन्नू तो मर ही जाएगी बिकॉज बेस्ट फ्रेंड के प्यार में वो बुढ़ी तक बन चुकी है लिटरली। बट हाँ, इलायची का साथ देना ही सुन्नू का काम है और इलायची का भी यही काम है सुन्नू का साथ देना। तो ये स्टोरी में तो स्पेसिफिकली सुन्नू इलायची की दादी बन गई है, इतना प्यार करती कि इलायची की दादी बन गए। तो अब देखते हैं, कोशिश तो ये रहेगी कि फंसे ना, बट अगर फंस गए तो फिर देखते क्या होगा। अच्छा, बात के लोग के तो कितना मजा आ रहा है कि अलग ही गेटअप लेके। हाँ, मजा तो काफी, इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब वेरी डिफरेंट। वो पूरा का पूरा विग है, ये चश्मे है, लिटरली लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं एक्चुअली बुढ़ी हूँ, क्योंकि मैं सेट पे जाए थे किसी ने मुझे नमस्ते कर दिया अभी अभी। तो काफी मजा आ रहा है मुझे, इट्स फन। मिला, काफी सारे राज खुल रहे हैं अपने पापा के। हाँ, राज ये खुल रहे, पापा बोलते कि वो टॉपर थे अपने स्कूल में, कॉलेज में, बट पता यहाँ चला है कि वो तो 11वीं फेल है। बिल्कुल मैं ही जरा, मतलब मैं अपने पापा पे ही गई हूँ जो बार बार फेल हो रही हूँ, और मेरी बात हमसे छुपा के रखी थी। तो फाइनली हमें उनकी मार्कशीट मिली और न्यूज़पेपर कटिंग मिली जिसमें लिखा है कि सबसे घटिया स्टूडेंट थे ये चांदनी चौक के। तो काफ़ी राज खुल गए हैं और मुझे तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज एवरी टाइम यूज़ टू स्क्रीम येल एट मी के पढ़ाई नहीं कर रही हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो, तो आप वो नहीं कह सकते हैं। कितने ताने पड़ने वाले इस बात पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताने पड़ने वाले हैं। बट आई थिंक इन अ वे आई एम गोना हेल्प हिम आउट, विच यू विल सी अस डूइंग लेटर ऑन। और अभी तो लेकिन फुल ऑन मज़े लेने वाली हूँ। और क्या लगता है, मिठाइयाँ बनने मिलेगी आज, जो स्टार्टिंग में बात हो रही थी? मिठाई नहीं, करेले मिलेंगे, मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी। अगर लास्टली कैसे जवाब मिलने वाला है, कितनी हेल्प करने वाला है, किस तरह से? ऑफकोर्स मैं उनकी एक अच्छी बेटी हूँ, तो अच्छी बेटी जितनी हेल्प कर सकती है उतनी करूँगी, जितना एक्सटेंड तक जा सकती हूँ पापा के लिए जाऊँगी, एंड आई एम गोना हेल्प हिम आउट। उनके बुजुर्गों का सपना था कि वो पास हो जाए, सो आई एम गोना हेल्प हिम आउट फॉर दैट। लास्टली आपके पंचम जो है वो इसमें किस तरह हेल्प करने वाले आपके प्लान? ऑफकोर्स उनका ट्रैक लेकिन अलग ही चल रहा है, वो थोड़ा और ज़्यादा भाव खाने लगे हैं, सो वो अलग ट्रैक चलने वाला है। बट इन दी एंड ऑफ कोर्स पंचम जीजा जी विल हेल्प मी, और कैसे ना कैसे करके उनसे हेल्प निकलवा ही लेती हूँ, उनको बिना पता लगाए कि वो हेल्प कर रहे हैं। सो हाँ, लाइट इज़ वेरी स्मार्ट बेसिकली। थैंक यू। बिल्कुल, आज मैं गला भी थक गया है आवाज़ निकालने के कारण। आज मैं एक चुड़ैल बना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत डरावना सा मेकअप हो रखा है अभी। मुझे पता है मैं काफ़ी ख़तरनाक लग रहा हूँ, और इनफैक्ट मैं इस मेकअप के साथ, अभी आपने मुझे पूरा मेकअप नहीं देखा है,
इसमें मेरे प्रॉपर बाल हैं, उस पर हैट है, तो मैं प्रॉपर एक डायन टाइप लग रहा हूँ। हमने अपनी प्रेरणा ली है कॉन्ज्यूरिंग से वहाँ उसमें जो एक कैरेक्टर थी, समथिंग वेरी सिमिलर। तो मैं अभी सेट पे यही पहन के घूम रहा था, और हमारे सेट पे कुछ जो लोग आते हैं हेल्पर्स, उनके कुछ ऐसे 5-6 बच्चे हैं, वो जो डर के भागे हैं मुझसे और उन्होंने जो रोया है, मतलब मुझे उन पर दया भी आ रही थी पर इतनी हंसी भी आ रही थी कि वो इतनी क्यूटली रो रहे थे, और उन्होंने सच में मान लिया था कि भाई ये इंसान कोई इविल इंसान ही है। तो मुझे बड़ा मज़ा भी आ रहा है ये करने में अभी, आई फील नाइस। इस मैं इसलिए बनाऊँ क्योंकि हमारे जो सेठ जी हैं उन्होंने दुकान पे और घर पे हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगा लिए हैं, और क्योंकि उन्होंने कैमरास लगा लिए हैं और हम सबको बहुत दिक्कत हो रही है बिकॉज़ हमारी हर मूव को जांचा परचा जा रहा है। क्योंकि अगर आपको पता है कि पिंटू और मैं, पिंटू लड़का मैं भी लड़का, अगर हमारे हर वक्त कैमरा रहेगा तो फिर हम कैसे कपड़े चेंज करेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है इलायची जी के साथ बैठ के, कि शायद हमें चुड़ैल बन के सीसीटीवी कैमरा में नज़र आना चाहिए, और किसी तरह से जो भी प्लॉट है उसमें हम कन्विंस करेंगे सेठ जी को कि सेठ जी आपको सीसीटीवी कैमरा निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो हालत टाइट हो जाएगी। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं अभी कि सेठ जी कन्विंस हो जाएं एक चुड़ैल को देख के, लेकिन देखते हैं कि वो कन्विंस होते हैं कि नहीं। पर आप पे नींबू भी निचोड़ा जा रहा है, तो क्या आप उसको, मतलब वो कैसे आप बच पाओगे? देखो, जो मैं आई एम दिस नेक्स्ट लेवल डायन, तो मैं बहुत ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ डायनिज्म में, तो मेरे पे नींबू अदरक ये सब चीज़ों पे, ये सब चीज़ों का कोई असर होता नहीं है। तो बस कुछ बच्चे आए थे, ट्राई कर रहे थे कि ऐसे करके हमें भगा देंगे, लेकिन नहीं, हमने उन्हें वापस काट लिया। बहुत आई थिंक 1-1.5 घंटा लग गया, और क्योंकि वाइट बेस लगा हुआ है, सो यू नो इफ़ यू टच वाइट को तो एकदम से बाहर आ जाता है, एंड प्लस अगर उस कहीं से निकलता है सो इट्स वेरी विजिबल, इट्स वेरी एविडेंट, तो बार बार टचअप करना पड़ता है। और हाँ, बट मज़ा आ रहा है, जैसे कि कुछ नया कर रहे हैं ऐसे टाइम पास। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कीप डूइंग द यूजुअल थिंग दैट यू बीन डूइंग, कीप वॉचिंग जीजा जी छत पर है सोनी टीवी पर, सोनी सब टीवी पर रात 10 बजे, और इस एपिसोड को ज़रूर देखें जैसे कि आप सारे एपिसोड्स को देखते हैं, और इसको भी बहुत इंजॉय करें, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को बताएं कि हमारा शो देखें बिकॉज हमारा शो अच्छा है यार। चुड़ैल चलो, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. तो काफी डरे डरे घूम रहे हैं मुरारी जी, इलायची के कुछ तोड़ के नजर आ रहे हैं, क्या तोड़ के है वो जो डर भगाने के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि टूट के शरा में आप ब्रो। ये ब्रो ब्रो क्या है? ये हिबा ने ना भी बहुत नया नया ब्रो ब्रो सीखा है। देखो तो मैं बताती हूँ कि पापा एक्चुअली उनके कमर पे लिखा है डरपोक, वो इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, मतलब ट्रेनिंग ही ज्वाइन की थी, पर इतने में वो डर के भाग गए वहाँ से, कुछ चीज़ों से उन्हें बहुत डर लग रहा था और वो भाग गए, तो भागते भागते उनके जो ग्रुपीज थे उन्होंने पकड़ लिया एंड उनके पीठ पे लिख दिया तुम डरपोक हो। तो डरपोक उनका फोबिया भगाने के लिए हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जिस चीज़ों से उन्हें डर लगता है, जैसे कि रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाने से, छिपकली से, चूहे से, तो हम चाहते हैं कि वो अपने फोबिया का सामना करें ताकि वो फोबिया उनके अंदर से निकल जाए। खजाने का नक्शा बनाया जा रहा है, ये सब उल्लू बनाने के लिए सब इलायची की ट्रिक्स हैं, जो खजाने का नक्शा यहाँ पर बनाया गया है ये इलायची की ट्रिक्स है, बिकॉज वी ऑल नो दैट ही इज़ प्रीटी मनी माइंडेड, और वो ज़रूर मानेंगे और इस हिसाब से हम उनका जो डर है उसका सामना करा सकते हैं। उनको पंचम, आपका क्या रोल लगा इनका डर मिटाने में? मेरा डर मिटाने का फ़िलहाल इस स्टोरी में तो हम यही कर रहे हैं कि मैं बस हिस्सा हूँ, बस मैं तो हंस रहा हूँ, मतलब ये डर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे हंसी आ रही है। ओह
छिपकली से डर गए मुरारी जी। अभी कब्रिस्तान पहुँच कर क्या कुछ मस्ती होने वाली है, क्या डर भगाने वाला बहुत कुछ होने वाला है। फॉर दैट यू टू वॉच द शो ओनली ऑन सब टीवी 9:30 PM मंडे टू फ्राइडे। डोंट फॉरगेट टू वॉच। चाहेंगे कि कौन है? ओके आई विल कीप इट। सो फेक दादी जी सुनीता है और जो दादी एक्चुअल हैं वो अभी आने वाली हैं जीजा जी छत पर है हमें। तो ये बहुत बड़ा सा एक ट्विस्ट है, तो इसीलिए सुनीता को दादी बनना पड़ा। तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली स्टोरी में हो क्या रहा है, बट फॉर नाउ आपकी सुनो दादी बन चुकी है। कहीं ना कहीं मतलब एक जो ट्रैक चल रहा है उसमें घर से भागने का भी कुछ ऐसे ट्रैक चल रहा है कि भागा जा रहा है मुरारी जी से छुपके। हाँ तो वो छुपने छुपाने वाली बात सारी की सारी जो वो है वो सस्पेंस है, वो तो मैं बता ही नहीं सकती। बट हाँ भागने वाली चीज़ है, भागना है क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स सीन है जिसमें मैं भाग जाऊँगी घर से बाहर और फिर पता लगेगा मुरारी को कि क्या है सीन। बेसिकली वो अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हैं, उनकी मम्मी आई हैं और उनसे बात नहीं हो पा रही है उनकी, तो वो अपनी माँ को फॉलो कर रहे, तो उन्हें लग रहा है कि मैं ही उनकी माँ बिकॉज मैं उन्हीं की गेटअप में हूँ। तो वो स्टोरी है। इलायची का साथ दे के मुझे लगता है किसी दिन सुन्नू तो मर ही जाएगी बिकॉज बेस्ट फ्रेंड के प्यार में वो बुढ़ी तक बन चुकी है लिटरली। बट हाँ इलायची का साथ देना ही सुन्नू का काम है और इलायची का भी यही काम है सुन्नू का साथ देना। तो ये स्टोरी में तो स्पेसिफिकली सुन्नू इलायची की दादी बन गई, इतना प्यार करती कि इलायची की दादी बन गए। तो अब देखते हैं, कोशिश तो ये रहेगी कि फंसे ना, बट अगर फंस गए तो फिर देखते क्या होगा। अच्छा बात के लोग के तो कितना मजा आ रहा है कि अलग ही गेटअप लेके। हाँ मजा तो काफी, इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब वेरी डिफरेंट। वो पूरा का पूरा विग है, ये चश्मे हैं, लिटरली लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं एक्चुअली बुढ़ी हूँ क्योंकि मैं सेट पे जाए थे किसी ने मुझे नमस्ते कर दिया अभी अभी। तो काफी मजा आ रहा है मुझे, इट्स फन। ओके थैंक यू, वेलकम।